हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू का नाम है इसमें हम कुछ एस्पेक्ट्स को ही कवर करेंगे जैसे कि ह्यूमन एनवायरमेंट में सेटलमेंट कैसे होता है कितने तरीके के ट्रांसपोर्ट या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे पास और कम्युनिकेशन कैसे होता है ह्यूमन एनवायरमेंट में ठीक है सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इसको हम स्टडी करेंगे आज अपने चैप्टर में ओके तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है ह्यूमन एनवायरमेंट इसमें सेटलमेंट है ना ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ये जो तीन सबसे बड़े टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के इसको हम जब स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर का ठीक और उसमें हम सेटलमेंट की अंडरस्टैंडिंग भी रखेंगे कि सेटलमेंट होता क्या है कितने तरीके के सेटलमेंट हो सकते हैं ठीक

तीन सेक्शन को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं सबसे पहले होगा हमारा सेटलमेंट का सेक्शन जैसे कि हमने इंडेक्स में भी देखा फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ओके तो सेटलमेंट को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कैसे हमारा रहन सहन हमारे इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट होता है वी हैव लर्न दैट अर्ली ह्यूमन बींगी ऑन द नेचर फॉर फूड फॉर क्लोदिंग एंड फॉर शेल्टर हमने ये पुराने चैप्टर्स में देखा है स्पेशली फर्स्ट चैप्टर में तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था कि जो पुराने लोग थे अर्ली ह्यूमन बींगस कंप्लीटली वो लोग नेचर पर डिपेंडेंट थे नेचर ही उन्हें खाना देता था उन्हें कपड़े के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलता था उन्हें शेल्टर के लिए वहीं से वुड मिलती थी बट विद टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स टू ग्रो द फूड बिल्ड होम्स एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन बींग इवॉल्व होते गए वैसे वैसे उनके अंदर नए स्किल्स आए और उन नए स्किल्स ने उन्हें सिखाया कि कैसे हम अपना खाना खुद उगा सकते हैं कैसे अपने घर बना सकते हैं कैसे एक अच्छा ऑफ़ ट्रांसपोर्ट और एक अच्छा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं ठीक है तो ये मॉडिफिकेशन इन दायरमेंट था पहले हम लोग अपने इन्वायरमेंट पे कंप्लीटली डिपेंडेंट थे पर धीरे धीरे एवोल्यूशन की हेल्प से नए स्किल्स सीखने की हेल्प से हम लोगों ने अपने ही इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया और फिर हम लोग बेटर लाइफ के साथ रहने लगे इन दिस वे दे मॉडिफाइड मॉडिफाइड दे दे इन अर्ली ह्यूमन वेयर लिव्ड ओके दिव समझते हैं अपने सेटलमेंट को सो सेटलमेंट्स आर वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स देखो जहां पर जिस जगह पर लोग अपने घर बना के रहने लग जाएं उसे सेटलमेंट कहते हैं ठीक है सिंपल डेफिनेशन कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं कोई भी प्लेस जहां पर लोग अपने घर बनाकर रहने लग जाए उसे हम सेटलमेंट का नाम देते हैं अर्ली ह्यूमन लिव्ड ऑन एंड इन केव्स पुराने लोग कहां रहते थे या तो ट्रीज के ऊपर रहते थे लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन या तो फिर वो केव्स के अंदर बताया ना कि वो नेचर पर कंप्लीटली डिपेंडेंट थे तो या तो वो लोग पेड़ों के ऊपर जाके सो लेते थे या तो किसी केव के अंदर जो नेचुरली बिल्ट केव्स होती हैं उनके अंदर जाके रह लेते थे but when they started to grow crops it became necessary to have a permanent home kyunki cave yahan hai nadi yahan hai aur aap zahir si baat hai nadi ke paas apni crops ko grow karoge because the land near the river is more fertile तो वो लोग crops यहाँ grow करते थे रहने के लिए उनको caves तक जाना पड़ता था जो कि बहुत ही uncomfortable हो रहा था ठीक है बहुत difficult भी हो रहा था अपनी क्रॉप्स पर सही से ध्यान भी नहीं दे सकते थे और इतनी दूर अपने घर जाना पड़ता था ठीक है इसलिए उन लोगों ने सोचा कि नहीं यार अब हम लोग पेड़ या केव्स में नहीं रह सकते हैं। हम लोग को अब परमानेंट घर की जरूरत है नाउ वी नीड अ परमानेंट होम टू लिव इन सो द सेटलमेंट्स द्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वाज अवेलेबल एंड द लैंड वाज फर्टाइल दैट इज व्हाई उन्होंने क्या किया वो रिवर वैलीज के पास उन्होंने अपने घर बनाना शुरू कर दिए ये रिवर है यहीं से रिवर की वैली जा रही है दैट मींस यही की उसका लैंड है यहीं पे उन्होंने अपने घर बनाना शुरू कर दिया क्योंकि यहीं की लैंड फर्टाइल भी है और यहीं पे पास में एक जगह है जहां घर भी बनाए जा सकते हैं तो आप अपनी क्रॉप के पास हो गए आप रिवर वॉटर के पास हो गए और आपका एक परमानेंट घर भी बन गया ठीक है तो ऐसे शुरू हुआ था सेटलमेंट नियर द रिवर्स विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन सेटलमेंट बिकेम लार्जर और फिर आपने जो क्रॉप्स उगाई उसी का ट्रेड करा उससे रिलेटेड कुछ चीजों का कॉमर्स भी किया कोई नई चीजें भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दी जैसे कि वुड से कुछ ना कुछ बना लिया या किसी और तरीके का अगर कोई रिसोर्स मिला उस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई तो डेवलपमेंट के साथ ये सारी एक्टिविटीज बढ़ती चली गई और ह्यूमन सेटलमेंट भी बड़ा होता चला गया ठीक है अब और लोग इन्हीं प्रैक्टिस में आ रहे थे और रिवर के पास जो रिवर की वैली है वहीं पर अपना सेटलमेंट बना रहे थे ठीक है इस तरीके से सेटलमेंट लार्जर एंड लार्जर होता गया विथ टाइम ओके सेटलमेंट फ्लेरेड एंड सिविलाइजेशंस डेवलप नियर रिवर वैलीज रिवर की ही वैलीज के पास सेटलमेंट बढ़ता चला गया सिविलाइजेशन डेवलप होती चली गई क्यों क्योंकि तो एक फैमिली ने घर बनाया अब उनके बाद की फैमिली ने भी वहीं घर बनाया या उसी घर में रहने लगे ठीक है इस तरीके से पूरी सिविलाइजेशन रिवर वैलीज के पास हो गए। अपने आप को उन्होंने वहीं पर एक थी। क्या आपको नाम याद है अगर नहीं याद है तो प्लीज आ ढूंढ के लाओ ये आपका होमवर्क है इंडस के बारे में तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा भी है तो अगर किसी को याद हो इंडस वैली सिविलाइजेशन या जैसे हम हरप्पन वाली सिविलाइजेशन भी कहते हैं ठीक है एक सिविलाइजेशन तो मैंने आपको बता दी बाकी थ्री रिवर्स के पास हुए सिविलाईजेशन का नाम आपको निकाल के लाना है मैं आपको आंसर बता दूंगी पर पहले मैं चाहती हूँ थोड़ा एफर्ट कर लो ओके अच्छा एक चीज और समझो बच्चों सेटलमेंट परमानेंट और टेम्परे दोनों हो सकता है ठीक है ऐसा नहीं है कि एक बार में बिल्कुल पक्का हाउस बनाया होगा लोगों ने नहीं कुछ लोगों ने कच्चा हाउस भी बनाया होगा तो सेटलमेंट टेम्पररी या परमानेंट दोनों तरीके से हो सकता है सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड कॉल्ड्री सेटलमेंट जो आपने बहुत छोटे समय के लिए बनाया है घर मान लो जो हमारे सोल्जर्स रहते हैं बहुत ही हार्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में वो लोग अपने बंकर बनाते हैं ठीक है अपने टेंट लगाते हैं और जैसे ही सीजन हाई हो जाता है वो लोग वहां से छोड़ के चले जाते हैं कहीं और टेंट लगाते हैं तो ये होता है टेम्प्रेरी सेटलमेंट मतलब आप वहां शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रह रहे थे तो उसे हम कहते हैं टेंपररी सेटलमेंट ठीक है रीडिंग फर्दर द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट माउंटेन ऑफन इन सच डेम्प्रेरी सेटलमेंट जो लोग बहुत डीप फॉरेस्ट में रहते हैं या बहुत हॉट डेजर्ट या फिर कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं या अगर वो माउंटेन में भी रहते हैं तो वो लोग टेम्पररी सेटलमेंट बनाकर ही रहते हैं ठीक है प्रैक्टिस हंटिंग गैदरिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस वो लोग क्या क्या करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए हंटिंग करते हैं गैदरिंग करते हैं कल्टिवेशन को शिफ्ट करते रहते हैं पीस ऑफ लैंड पे क्रॉप ग्रो करा जैसे वो क्रॉप हार्वेस्ट हो गया उस पूरे लैंड को आग लगा दी दूसरे लैंड पे चले गए वहां पर यही सेम चीज करा जब तक ये लैंड वापस से फर्टाइल हो गई वापस इस पे आ गए इस तरीके की शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते हैं और ट्रांसह्यूमेंस को प्रैक्टिस करते हैं क्या होता है इट इज अल मूवमेंट एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन अगर monsoon, rainy season चल रहा है तो वो लोग आराम से यहां के के बेसिस पे अपने कैटल को भेज देंगे क्योंकि कैटल को ग्रास चाहिए तो वो लोग यहाँ भेज देंगे पर जब यहाँ ड्राई सीजन आ जाएगा तो वो लोग किसी दूसरी जगह चले जाएंगे जहां पर ग्रास अवेलेबल हो सो so बेसिकली उनको ग्रासलैंड की खोज में जब सीजन टू सीजन इधर उधर करना पड़ता है तो उसे हम ट्रांस है ये एक सीजनल मूवमेंट है है क्योंकि अभी अगर उनके उग रही है, तो कोई एक सीजन आएगा जब उनके यहाँ ड्राई सीजन हो जाएगा और ग्रास नहीं उग पाएगी तो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा ताकि उनके पैस्टर ताकि उनके कैटल को कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है थीके? तो उनके पास अगर कोई ऐसे जानवर हैं जो ग्रास खाते हैं उनके लिए लोगों को ट्रांसह्यूमेंस करना पड़ता है ठीक है settlement पढ़ रहे थे। और बहुत सारे अब ऐसे सेटलमेंट बन रहे हैं स्पेशली अर्बन एरियाज में इनफैक्ट रूरल में भी जो बिल्कुल परमानेंट है परमानेंट घर बना दिए उन्होंने ठीक है बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल का यूज करते हुए अपने परमानेंट घर स्टेब्लिश करें हैं इन दी सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन जैसे आप यहाँ देख सकते हो एक ह्यूमन सेटलमेंट की पिक्चर है जहां लोगों ने अपने पक्का हाउसेस बना लिए हैं परमानेंट सेटलमेंट कर लिया है अपना तो इस तरह हमने जाना कि जो आपका सेटलमेंट है वो टेम्परे भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है ठीक है अगर आप कोई बहुत छोटे पीरियड के लिए वहां रह रहे हो तो वो हो गया टेम्परेरी सेटलमेंट और अगर आप वहां अपना परमानेंट घर बना रहे हो तो वो हो गया परमानेंट सेटलमेंट ठीक है अच्छा आगे बढ़ने से पहले आगे की स्टोरी जानने से पहले यहां पर एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड इट्स साइट द नेचुरल कंडीशन सेलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट आर फेवरेबल क्लाइमेट हो पानी की अवेलेबिलिटी हो सुटेबल लैंड हो और सॉइल फर्टाइल हो जहां पर भी जिस जगह पर कोई बिल्डिंग या कोई सेटलमेंट डेवलप होता है उसे हम कहते हैं साइट और एक अच्छी साइट ढूंढने के लिए आपके पास कुछ कंडीशन है जो आपको चेक कर लेनी चाहिए अगर आप कभी भी लैंड खरीदते हो अपना घर बनाते हो कुछ चीजें आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए या पुराने लोगों ने जिन बातों के बारे में ध्यान दिया था वो भी ये पॉइंट्स हैं जैसे कि यहाँ पे क्लाइमेट अच्छा है कि नहीं यहाँ पे पानी आसानी से मिलता है कि नहीं लैंड सूटेबल है कि नहीं या सॉइल फर्टाइल है कि नहीं पुराने लोग अर्ली ह्यूमन बींग्स ये सारी चीजें जरूर देखते थे क्योंकि उनके लिए एग्रीकल्चर ही मेन मींस ऑफ ऑक्यूपेशन होता था ठीक है आज अगर आपको घर बनाना हो तो आप क्या क्या देखोगे पास में हॉस्पिटल है कि नहीं पास में स्कूल है कि नहीं ठीक है पास में आपके पास कोई शॉपिंग एरिया है कि नहीं मार्केट है कि नहीं पब्लिक कन्वेंस है कि नहीं है ना कम्यूटेशन अच्छा है कि नहीं ये सारी चीजें आज आजकल आप देखते हो पुराने टाइम पे ये सारी चीजें देखी जाती क्लाइमेट अच्छा है कि नहीं पानी है कि नहीं लैंड अच्छी है कि नहीं या सोयल फर्टाइल है कि नहीं ताकि हम अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सकें तो इस इंफॉर्मेशन से मेरा मेन पर्पज था आपको ये बताना कि साइट क्या होता है ठीक है ऑल राइट right. अब हमने जब ये जान लिया कि सेटलमेंट दो तरीके के हो सकते हैं टेम्प्री और पर्मानेंट अब एक स्टोरी को जानते हैं और उसके बाद हम लोग सेटलमेंट के बारे में और समझेंगे तो एक स्टोरी है जहां मैरी की बर्थडे पार्टी हो रही है क्या हो रहा है भैया मैरी का हैप्पी बर्थडे केक कट रहा है तो स्टोरी शुरू होती है इट वाज मैरीस बर्थडे पार्टी शी एंड हर फ्रेंड्स वो वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक मैरी की बर्थडे पार्टी है और मैरी अपने फ्रेंड्स के साथ गुरप्रीत का वेट कर रही है ताकि गुरप्रीत जब आ जाए तो फिर मैरी अपना बर्थडे केक कट कर सके एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड टायर्ड कफिंग वीजिंग गुरप्रीत फाइनली आता है बहुत देर के बाद और बुरी तरीके से खांसी है उसको

due to the growing population in the cities. Mary's father, mister Thomas, replied. Mary asked, Then why are people coming to the cities? Those ki ne Bola, they come looking for jobs, better education and medical facilities. Mary further inquired, If so many people keep keep coming to cities, where will all the people live? mister Thomas said, That is why you see so many slums and squatter settlements where people stay in congested and unhygienic conditions. Shortage of power and water supply are common problems in the cities. Then Prasad said, Our villages may not have a big cinema halls, well equipped schools, and good hospitals, but we have a lot of open spaces and fresh air to breathe in. When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital. So, this story se, गुलप्रीत आती है थकी हुई खांसती हुई और फिर मैरी की मम्मी उसकी पीठ थपथपाती है और कहती है बेटा आई अंडरस्टैंड कितना ज्यादा पोल्यूशन है हमारी सिटी में तो मैरी का एक और फ्रेंड है प्रसाद प्रसाद कहता है कि मैं अभी गांव से आया हूँ और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है पता नहीं क्यों सिटीज में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम और पॉल्यूशन है वहीकल्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन शहर में बढ़ती जा रही है है ना मैरी के फादर ने बोला कि बेटा पोल्यूशन इतना ज्यादा इसलिए हो रहा है ट्रैफिक जाम इतना ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि तो शहर में लोग आ रहे हैं बहुत ज्यादा तो फिर मैरी ने पूछा कि पापा अगर लोग ऐसे ही शहर में आते रहे तो फिर क्या जरूरत है इनकी आर दे कमिंग टू तो उसकी मम्मी ने बोला बेटा वो लोग जॉब्स के लिए आते हैं बेटर एजुकेशन लेने के लिए आते हैं बेटर फैसिलिटीज लेने के लिए आते हैं फिर मैरी ने पूछा कि अगर ये लोग ही आते रहे तो सब लोग रहेंगे कहाँ जो सिटी में ऑलरेडी रहते हैं और जो रूरल एरिया से आ रहे हैं अगर सब लोग सिटी में रहने लगेंगे तो सिटी में जगह कहाँ बचेगी तो फिर मैरी के पापा ने बोला कि बेटा इसी वजह से तो शहर में बहुत ज्यादा स्लम्स सेटलमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं लोग शहर में रहने के लिए पर उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो बहुत बड़े बड़े घरों में रह सके इसलिए वो लोग अनहाइजीनिक कंडीशन में पावर की शॉर्टेज वाटर की शॉर्टेज ऐसी प्रॉब्लम्स को सहते हुए भी स्लम एरिया बना लेते हैं फिर प्रसाद ने बोला जो कि अभी अभी गांव से आया था प्रसाद ने बोला कि हमारे यहाँ गांव में भले ही बड़े बड़े सिनेमा हॉल ना हो अच्छे स्कूल्स ना हो अच्छे हॉस्पिटल्स ना हो पर हमारे पास फ्रेश एयर ब्रीड करने के लिए बहुत जगह होती है पर अगर कभी भी कोई बीमार पड़ता है तो हमें भी सिटी के हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए आना पड़ता है जैसे कि मेरे दादाजी बीमार हुए थे और हम लोग को उन्हें सिटी के हॉस्पिटल में लाना पड़ा था ठीक है तो इससे हमें यह क्लियर होता है कि कितना डिफरेंस है सेटलमेंट में भी और इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट सेटलमेंट्स भी दो तरीके के हो सकते हैं एक रूरल और एक अर्बन अभी हम लोगों ने पढ़ा था सेटलमेंट या तो टेम्प्रेरी हो सकता है या तो परमानेंट हो सकता है टेम्प्रेरी एंड परमानेंट और उसी के साथ साथ उसी के साथ साथ एक और डिफरेंसिएशन है सेटलमेंट में और वो है रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर फिशिंग फॉरेस्ट्री क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग विलेज जो होते हैं उन्हें हम रूरल सेटलमेंट का नाम देते हैं और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो जनरली प्राइमरी एक्टिविटीज करते हैं कौन सी एक्टिविटीज प्राइमरी फर्स्ट स्टेज की एक्टिविटीज होती है ये। से सारा काम शुरू होता है जैसे कि एग्रीकल्चर फिशिंग फॉरस्ट्री क्राफ्ट बनाना छोटा छोटा ट्रेड करना इन्हीं प्राइमरी प्रोडक्ट्स में ट्रेड करना ठीक है जो उगा रहे हैं उसे बेचना या फिर फिशिंग करना फिश को पकड़ते हैं और फिर उसे बेचते हैं फॉरेस्ट्री करना मतलब फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जितने भी यूजफुल चीजें होती हैं उन्हें कलेक्ट करना या फिर क्राफ्ट बनाना ये सारे काम हमें देखने को मिलते हैं रूरल सेटलमेंट में कहां पर रूरल सेटलमेंट में विलेज को ही रूरल सेटलमेंट का नाम दिया जाता है रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड देखो बहुत कॉम्पैक्ट भी हो सकता है इस तरीके से ठीक है बहुत जुड़े हुए घर कॉम्पैक्ट एकदम छोटी सी जगह में ढेर सारे घर या फिर स्कैटर्ड भी हो सकता है बिखरा हुआ एक घर यहां है दूसरा घर वहां है तीसरा घर यहां है तो रूरल सेटलमेंट कॉम्पैक्ट भी हो सकता है स्कैटर्ड भी हो सकता है क्या होता है बहुत ही क्लोजली ढेर सारी ड्वेलिंग्स का बना हुआ जिसको जहां जगह मिली फटाफट अपना घर बनाता चला गया पर एक स्कैटर्ड सेटलमेंट में ड्वेलिंग्स आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया जैसे कि ये में शो किया जा रहा है

बाकी हिल पे एक घर बन गया इस तरीके से या फिर ऐसे स्कैटर्ड सेटलमेंट हमें देखने को मिलते हैं थिक फॉरेस्ट में जहां एक जगह घर बन गया किसी तरीके से फिर फॉरेस्ट में और जहां स्पेस मिली वहां बन गया ठीक तो ऐसे घर हमें हिली ट्रैक्ट में देखने को मिलते हैं थिक फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं या ऐसी कोई भी जगह में जहां क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम होता है या तो बहुत गर्मी पड़ती है या तो बहुत सर्दी पड़ती है या फिर बहुत ज्यादा बारिश होती है ठीक है स्कैटर्ड सेटलमेंट कहां-कहां मिलते हैं चलो जल्दी से बताओ स्कैटर्ड सेटलमेंट्स आर मोस्टली फाउंड इन हिल एट्रैक्ट डिक फॉरेस्ट एंड रीजनस ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर एनवायरनमेंट इन रीजनस ऑफ हेवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स अब रूरल एरियाज में जब लोग अपना घर बनाते हैं तो वो लोग अपना घर अपनी जरूरत के हिसाब से बनाते हैं अगर उनके गांव में बहुत बारिश होती है तो वो लोग अपनी छत जो है वो स्लैंटिंग बनाएंगे ताकि पानी सारा नीचे चला जाए ठीक है प्लेस इज season, the houses are द on आर कंस्ट्रक्टेड platform और स्टिल्ट लेकिन जहां पर जिन घरों के पास जमीन पे पानी बहुत अक्यूमुलेट हो जाए होता है वो लोग अपना घर थोड़ा ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं स्टिल्ट ठीक है ऐसे कुछ पोल्स खड़े करे जाते हैं और इन पोल्स के ऊपर घर बनाया जाता है क्योंकि इनके यहाँ पानी बहुत अक्यूमिलेट होता है इसलिए मटेरियल्स लाइक स्टोन्स मड क्ले स्ट्रॉ एट्राई यूज टू कंस्ट्रक्ट दाउसेस जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है जनरली वहां पर कैसे घर पाए, पाए जाते हैं मोटी मिट्टी के घर मिल पाए जाते हैं क्योंकि मिट्टी घर को ठंडा रखती है ठीक है तो मोटी मिट्टी के बने हुए घर होते हैं और उनकी रूफ के ऊपर थैच पड़ी होती है ठीक है चारा भूसा उससे अपनी छत को बनाया होता है क्योंकि उस भूसे से भी काफी ठंडक मिलती है लोकल मटेरियल यूज किया जाता है स्टोन मठ क्ले स्ट्रॉ इन सब चीजों का यूज किया जाता है रूरल एरिया में घर बनाने के लिए अभी तक हम लोग अर्बन पे नहीं आए हैं बच्चों अभी अर्बन की बात नहीं हो रही है अभी केवल रूरल की बात हो रही है रूरल में सेटलमेंट या तो स्कैटर्ड हो सकता है या तो कॉम्पैक्ट हो सकता है वहां पर वो लोग अपनी जरूरत के हिसाब से घर बनाते हैं अगर उनके यहाँ बहुत बारिश होती है तो वो लोग स्लैंटिंग रूप्स रखते हैं अगर उनके यहाँ बहुत गर्मी होती है तो वो लोग थिक मड वॉल्ड हाउसेस बनाते हैं जिसमें थैच रूफ्स होती हैं द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स ठीक है बड़े बड़े शहर जो होते हैं उन्हें हम अर्बन सेटलमेंट का नाम देते हैं अब आ गया हमारा अर्बन सेटलमेंट इन अर्बन एरियाज इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विसेज अर्बन एरियाज में एक्टिविटीज थोड़ी अलग है यहाँ पे सेकेंडरी सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटीज हो रही हैं सेकेंडरी हो गई मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना मैन्युफैक्चरिंग एक सेकेंडरी एक्टिविटी क्यों है बच्चों क्योंकि मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको कोई रॉ मटेरियल चाहिए होगा मान लो आप कॉटन का कपड़ा बनाते हो आपके कपड़े की फैक्ट्री है पर वो कॉटन का कपड़ा बनाने के लिए आपको कॉटन चाहिए होगा और वो कॉटन कहाँ से आएगा वो तो रूरल एरिया से आएगा है ना तो कॉटन को बनाना हो गया प्राइमरी एक्टिविटी पर कॉटन का कपड़ा बनाना हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी ठीक है तो अर्बन एरियाज में जनरली सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग करना बड़े लेवल पे ट्रेड करना और सर्विसेज प्रोवाइड करना यस ये, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो एक्टिविटी है ये हमें मोस्टली एंड ऑल द टाइम अर्बन एरियाज में देखने को ज्यादा मिलती है अब तो क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा काम कर रही है और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी धीरे धीरे हो रहा है इसलिए सर्विस का काम रूरल एरियाज तक भी पहुंच रहा है पर Generally, ऐसी एक्टिविटीज हमें अर्बन एरिया में ही देखने को मिलती है के नाम बताने थे और दूसरा होमवर्क हो गया कि आपको अपनी ही स्टेट के कुछ गांव के नाम कुछ टाउन्स के नाम और कुछ सिटीज के नाम लिख के लाने हैं ठीक है थीक्या? तो ये होता है बच्चों हमारा सेटलमेंट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहां पर हम लोगों ने रूरल सेटलमेंट पढ़ा हम लोगों ने अर्बन सेटलमेंट पढ़ा अब आपको बताना है तो देख लिए स्टोन हाउसेस भी देख लिए बर्फ के घर कहाँ बने होते हैं कौन बनाता है उन्हें व्हाट आर दे कॉल्ड और उन्हें कहा क्या जाता है तीन क्वेश्चन पहली बात तो ऐसे ड्वेलिंग्स कहां मिलते हैं वेयर उन्हें कौन बनाता है हु और उन्हें कहा क्या जाता है वॉट थ्री क्वेश्चन होमवर्क नंबर थ्री तो लेट्स कंप्लीट द होमवर्क फर्स्ट जितने भी तीनों क्वेश्चन है हम लोग वो पूरा होमवर्क खत्म कर लेते हैं ताकि सेटलमेंट एज अ सेगमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट पूरी तरीके से फिनिश हो जाए ठीक है सेटलमेंट वाला जो सेगमेंट है हमारा वो कंप्लीट हो जाए ठीक है तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था वेयर डू यू फाइंड डेलिंग मेड ऑफ आइस कहाँ मिलती है ये बेटा ये मिलती है आपको पोलर रीजन में दे आर फाउंड रीजन स्पेशली नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आर्टिक सर्कल में तो लोग रहते हैं अंटार्कटिक जो कि साउथ पोल पे है अंटार्कटिक Antarctic में अंटार्क्टिका में लोग कम रहते हैं वो हैबिटेड जगह नहीं है ना वहाँ पे लोग ज्यादा नहीं रहते हैं इसलिए नॉर्थ पोल में ही आपको ये इगलूज ज्यादा देखने को मिलते हैं

तो इन कंट्री में रहने वाले लोग जो इग्लूज को बनाते हैं हु मेक दीज आर नोन एज ठीक है ये तो हो गया भैया लास्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन था आप लोग के होमवर्क का फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं अब तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क का ये था कि आपको कुछ रिवर्स के नाम दिए हुए थे और आपको बताना था कि उनके पास इस्टेब्लिश हुई सिविलाइजेशन कौन सी थी हिस्ट्री में ठीक है तो टिग्रिस रिवर के पास जो लोगों ने अपनी सिविलाइजेशन बनाई वो थी मेसोपोटेमियन या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन तो मेसोपोटामिया एक जगह थी जो कि रिवर के पास लोगों ने सेटल होकर बनाई थी नाइल रिवर के पास जब लोग सेटल हुए तो उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन को नाम दिया इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो पूरा इजिप्ट का रीजन है ठीक है इंडस के पास इंडस वाली सिविलाइजेशन हॉंग ही रिवर के पास एस्टैब्लिश मी चाइनीज सिविलाइजेशन एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन ठीक है ये था आपके होमवर्क का क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है कि जब लोग सेटल हो रहे थे और रिवर्स के पास हो रहे थे सेटल तो उन्होंने अभी सिविलाइजेशन को नाम क्या दिया या हम लोगों ने जब उसके उनके बारे में स्टडी करी दैट मींस हिस्टोरियंस ने जब उनके बारे में ढूंढा पढ़ा रिसर्च करी तो उनको किस सिविलाइजेशन का नाम दिया ठीक है और जो जो कंट्रीज वहां पाई गई या जो भी डॉक्यूमेंट्स उस टाइम के मिले उसके हिसाब से ही इनकी नेमिंग की गई है क्वेश्चन नंबर right. था कि आपको अपनी स्टेट के विलेज टाउन्स और सिटीज का नाम बताना है प्लीज डू इट योर सेल्फ क्योंकि आई डोंट नो कि आप कौन सी स्टेट में रहते हो ठीक है तो आप अपनी स्टेट की कुछ सिटीज का नाम कुछ कुछ थ्री सिटीज थ्री टाउन्स एंड थ्री विलेजेस का नाम लिख के दिखाना ठीक है तो यहाँ पे ये यह होमवर्क खत्म होता है सेटलमेंट एज अ सेगमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट फिनिश होता है सेटलमेंट खत्म अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट पे विच इज द सेकंड सेगमेंट द सेकंड सेगमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट ठीक है और वो है ट्रांसपोर्ट तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है ट्रांसपोर्ट इज द मींस बाय व्हिच पीपल एंड गुड्स मूव ट्रांसपोर्ट वो एक माध्यम है वो एक मींस है वो एक फैक्टर है जिसकी हेल्प से ना केवल लोग बल्कि कुछ सामान गुड्स भी मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जब एक जगह से दूसरी जगह इफ पीपल कैन मूव और इफ द गुड्स कैन बी सप्लाइड एंड मूव तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन करना किसी चीज का ठीक है किसी ऐसे मीडियम का यूज करना जिसकी हेल्प से पीपल एंड गुड्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और राइट यही होता है ट्रांसपोर्ट और ये ह्यूमन एनवायरनमेंट में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं देखो सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बेटा ज्योग्राफी में ना केवल पहाड़ सड़क और नदी या ये सारी चीजें प्लेटो कोस्ट केवल ये नहीं आता आप जिस ज्योग्राफी में रहते हो उस ज्योग्राफी में आप सस्टेन कैसे कर रहे हो हाउ आर यू लिविंग ये भी बहुत मैटर करता है और उस सस्टेन करने के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वी हैव टू स्टडी देम इन द नेम ऑफ जोग्रफी ओनली तो आपको पता है कि अगर आप भले कोस्टल रीजन में रहो चाहे प्लेन रीजन में रहो चाहे माउंटेनस रीजन पे रहो कहीं भी रहो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है यू विल नीड ट्रांसपोर्ट या अगर आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह जाना है यू विल नीड ट्रांसपोर्ट यू विल नीड द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन राइट इसलिए ह्यूमन एनवायरमेंट में इंसान जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स उसे हेल्प करते हैं ये सारे फैक्टर्स पढ़ना जरूरी है तो हमने सबसे पहला फैक्टर पढ़ा था सेटलमेंट कि कैसे लोग एक एक करके अपना घर बनाते हैं ठीक है और वो अपने आप में फिर दस घर बने दस के बाद बीस घर बने करते करते हजारों घर जब बन जाते हैं और लोग रहने लगते हैं एक ही जगह पे तो वो एक सिविलाइजेशन का फॉर्म ले लेती है वैसे ही आप आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट पे कि कैसे इसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट की से so days, पुराने जमाने में, जब इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था इतनी वहीकल्स नहीं बनी थी इतनी अच्छी मॉडर्न कार्स मोटरसाइकल्स या ऐसा कोई भी वहीकल्स नहीं थे तब लोगों को बहुत टाइम लग जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में जनरली तो एंशियंट टाइम में अर्ली व्यूम पैदल चलते थे उन्हें भले ही कितनी दूर जाना पड़े कंट्री टू कंट्री भी वो लोग पैदल चल के ही पार करते थे बिकॉज दैट वॉज द ओनली मीन दे है ओनली थिंग यूज करके वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे कोई वेहीकल तो था नहीं पीपल हैड टू टू वॉक एंड एनिमल्स कैरी देयर गुड्स और अगर उन्हें सामान भी ले जाना है तो वो अवेलेबल एनिमल्स का भी यूज लाते थे घोड़े होते थे घोड़े के ऊपर सामान रख दिया जाता था डोंकीज़ होते थे तो डोंकी के ऊपर भी सामान ऐसे ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता होगा अच्छा कुछ जगह बच्चों ऐसे भी होती होगी ना ना होता होता होगा ना होता होगा डोंकी तब बोलो क्या करते होंगे में जब उनके पास कोई व्हीकल नहीं था केवल वो थे और उनके जानवर तो वो लोग अपने तरीके से वॉक करके डिस्टेंस को कवर करते थे या फिर एनिमल्स की हेल्प लेके डिस्टेंस को कवर करते थे फिर हुआ कुछ डेवलपमेंट सिविलाइजेशन में चेंजेस आना शुरू हुए और व्हील का इन्वेंशन हो गया इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट इजीियर क्योंकि आपको पता है कि उनके पास वुड था अब उस बड़े से वुड का करना क्या है व्हील तो, तो है नहीं चलाने के लिए गाड़ी पे उन्होंने जब व्हील का इन्वेंशन करा और उन्होंने सोचा कि अगर हम इस लकड़ी के इतने बड़े बॉक्स पे अगर हम व्हील्स लगा दें और इसे धक्का दें तो शायद हमारे लिए गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाएगा इस तरीके से हुआ व्हील का इन्वेंशन तो जब व्हील का इन्वेंशन हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड बट इवन टूडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट इन आर कंट्री डोंकीज म्यूल्स बुलक्स एंड कैमल्स आर वेरी कॉमन व्हील का इन्वेंशन हुआ बहुत सारे व्हीकल्स बने और आज आप देख सकते हो मॉडर्न कारदर एज वेल एज टू ट्रांसपोर्ट देर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर पर एक चीज बच्चों कॉमन रही आज भी और वो है यूज ऑफ एनिमल्स आज भी एनिमल्स का यूज उसी तरीके से होता है जितना पुराने जमाने में होता था हाँ, थोड़ा बहुत उनकी इंटेंसिटी कम हो गई है अब आपको कम बुलक काट दिखेंगी या हॉस काज दिखेंगी रोड पे पर अगर आपको कोई ट्रांसपोर्ट करना है सामान स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइट पे जहां पे सीमेंट ले जानी होती है या फिर ब्रिक्स ले जाने होते हैं ऐसे पर्पसेस में तो अभी भी एनिमल्स का बहुत यूज किया जाता है आप देखते भी होंगे अपने आसपास आस विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हुए एनिमल्स का यूज अभी भी होता रहा अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है हर जगह डोंकीज, म्यूल्स बहुत सारी जगह ऐसी होती होंगी जहां ये नहीं होते होंगे।, होते होंगे तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, में यूज नहीं ला सकते तो ऐसे लोग क्या करते हैं इन साउथ अमेरिका लामाज आर यूज्ड एज आई इन टिबिट जिन कंट्रीज में ये एनिमल्स नहीं मिलते वहां पर उनके लोकली अवेलेबल एनिमल को यूज किया जाता है जैसे कि एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में है और वहां पर एक एनिमल होता है लामा लामा को को यूज किया जाता है इन सब पर्पसेस में गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए इधर से उधर टिबेट में याक्स की हेल्प ली जाती है द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल टेकल टू रीच इंडिया दे टूक इधर दी रूट और द लैंड रूट पुराने टाइम में जब अर्ली ट्रेडर्स इंडिया की बाउंड्रीज पर आए कोस्ट लाइन पर आए तो उन्हें बहुत महीने लग जाते थे इंडिया पहुंचने में आज बस एक फ्लाइट पकड़ो नेक्स्ट डे इंडिया है ना लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि ट्रांसपोर्ट उतना डेवलप नहीं हुआ था तो उन्हें एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने में बहुत टाइम लगता था अगर रोड होती तो उनके लिए आसान हो जाता था पर अगर कोई ऐसी कंट्री से आ रहा है जिसकी कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है इंडिया तक तो फिर उन्हें सी रूट की हेल्प लेनी पड़ती थी ठीक है तो जो लोग भी इंडिया आते थे अर्ली ट्रेडर्स वो या तो लैंड रूट की हेल्प से आते थे और अगर लैंड रूट अवेलेबल नहीं है या अच्छा नहीं है या उन्हें पता ही नहीं उन्होंने डिस्कवर नहीं किया है तो फिर वो लोग सी रूट की हेल्प लेके आते थे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फिफ्टींथ सेंचुरी का लेट फिफ्टीन सेंचुरी जब वास्को डगामा वास्को डगामा इंडिया आए थे सी रूट ढूंढते हुए ठीक है वो सी रूट्स को एक्सप्लोर कर रहे थे और एक्सप्लोर करते करते वो इंडिया के लैंड तक पहुंचे थे एरोप्लेन ट्रेवल फास्टर अब देखो एक और स्टेप ऑफ डेवलपमेंट अब वो केवल व्हील्स पर चलने वाला व्हीकल नहीं है हवा में भी उड़ सकते हो अब आप और इससे डिस्टेंस भी छोटा हो गया और टाइम भी अब कम लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में या गुड्स का सप्लाई होने में

सेवरल आवर्स में कन्वर्ट हो गया इसे कहते हैं डेवलपमेंट और ये है ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट जो कि आप इस पूरी स्लाइड में देख सकते हो कि कैसे पहले लोग पैदल चलते थे एनिमल्स की हेल्प लेते थे व्हील के इन्वेंशन के बाद कार्ट्स बनने लग गए अलग अलग तरीके के व्हीकल्स बनने लग गए उसके बाद आ गया आपका एरोप्लेन जिसने और ज्यादा टाइम बचा दिया और एनर्जी भी बचा दी बस एक प्रॉब्लम है ये कॉस्टली होता है एक प्रॉब्लम ये जरूर है तो अगर कोई चीज आपका टाइम बचा रही है आपके एनर्जी बचा रही है तो थोड़ा कॉस्टली जरूर हो सकता है ठीक है द फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज रेलवेज वाटरवेज एंड एयरवेज अगर आपको ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेनी है एक जगह से दूसरी जगह जाना है या अपना गुड्स सप्लाई कराना है एक जगह से दूसरी जगह तो आपके पास चार तरीके हैं या तो आप सड़क से चले जाइए अगर रोड कनेक्टिविटी है या तो आप रेलवे से चले जाइए अगर रेलवे कनेक्टिविटी है या तो फिर आप वॉटरवेज की हेल्प ले लीजिए अगर सी रूट है और या तो फिर अगर कुछ भी नहीं है तो फिर एयरवेज ले लीजिए उड़ के चले जाइए ठीक है हो सकता है रोड हो भी तब भी आप एयरवेज की हेल्प ले सकते हो हो सकता है एयरवे हो फिर भी आप सी रूट से जाना पसंद करते हो कुछ भी बेसिकली आज बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट इतना ज्यादा हो गया है कि आपके पास बड़े बड़े चार मीडियम्स हैं जिनकी हेल्प से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो ठीक है इस स्लाइड में दिखाया जा रहा है कैसे हॉर्स कार्ट को यूज किया जाता है एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक यहाँ पे एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है इज इज रिलेटेड टू रोडवेज द फर्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी विल बी रीडिंग देर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवे बहुत सारे नेशनल हैं दैट मीन्स कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट को कनेक्ट करने वाला हाईवे और बहुत सारे स्टेट हाईवे भी हैं एक ही स्टेट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए जो हाईवे बनाए गए हैं दैट मीन्स एक कनेक्टिंग रोड बनाई गई है ताकि आपको ट्रैफिक से निकलना पड़े ठीक द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस और अब इन हाईवे के साथ एक बहुत अच्छा एडिशन हुआ है और वो है एक्सप्रेस वेज का ठीक है क्योंकि वो कमर्शियल रोड से बिल्कुल अलग होते हैं एक्सप्रेस वेस का कमर्शियल रोड जिन रोड पे हम लोग चलते हैं जिसपे आपके पब्लिक कन्वेंस चलता है बसेस चलती हैं आप खुद अपनी कार या मोटरसाइकिल लेके जाते हो उन कमर्शियल रोड से इनका कोई रिलेशन नहीं होता ठीक है और इनको एक्सप्रेस वे का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस रोड पे केवल वो लोग जा रहे हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह दैट मीनस किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट किसी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट पहुंचना है और जल्दी पहुंचना है तो यहां पर एवरी डे ट्रैफिक नहीं होता ठीक है जिन्हें केवल ट्रैवल करना है या किसी एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है एक्सप्रेस वेज उनके लिए बनाए गए हैं तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जिसकी वजह से लोगों का बहुत टाइम बचता है उनके लिए रोडवेज जो है अब वो एक बहुत ही वायबल ऑप्शन बन गया है बिकॉज ऑफ एक्सप्रेस वेज द गोल्डन क्वार कनेक्ट डेली मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता एक बहुत अच्छा हाईवे है हमारी कंट्री का जो हमारी कंट्री के सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रो सिटीज को जोड़ता है एंड दैट हाईवे इज डेली कनेक्टिंग टू मुंबई कनेक्टिंग टू चाइना कनेक्टिंग टू कोलकाता चार मेट्रोपोलिटन सिटीज अगर एक साथ जुड़ रही हैं जहां पर बहुत ज्यादा बिजनेस होता है अगर इनको कनेक्ट करती हुई कोई एक रोड है तो आप समझ सकते हो कि ये एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितना वायबल ऑप्शन होगा फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ओके इसलिए इसे हम गोल्डन कॉट्री लैट्रल का नाम देते हैं क्योंकि ये गोल्डन सिटीज मानी जाती हैं हमारी कंट्री की क्योंकि ये सबसे ज्यादा बिजनेस जनरेट करती हैं हमारी कंट्री में ओके अब आ जाते हैं हम लोग फाइनली टू रीड अबाउट रोडवेज विच इज द फर्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट के चार मीन्स अभी हम लोगों ने पढ़े थे इट बी रोडवेज इट कुड बी बी वाटरवेज इट कुड बी एयरवेज सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा सबसे हमारा सबसे फेमस और सबसे पहला डेवलप हुआ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाकी सब तो बाद में आए हैं रेलवे लाइन बाद में बनी है शिप्स बहुत बाद में बनी है रोड बनी है भैया सबसे पहले जमीन बनी सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले इसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को स्टडी करेंगे ऑल राइट सो द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट

मटेरियल विच आर इन द फॉर्म ऑफ मेटल आप आसानी से उन्हें ऐसे ही डिक करके तोड़ नहीं सकते उस सड़क को ठीक है उसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है वो रोड ऑल राइट इन्हें हम कहते हैं मेटल रोड पक्का रोड दूसरी होती है अनमेटल्ड कच्चा रोड सैंड या सॉइल की हेल्प से ही बनाई जाती हैं इनमें किसी भी तरीके का किसी भी तरीके के बाइंडर्स का यूज नहीं किया जाता कोई कॉन्क्रीट प्रोडक्ट का यूज नहीं किया जाता जब तो उसे हम अनमेटल्ड रोड कहते हैं जब कोई कॉन्क्रीट प्रोडक्ट ना यूज किया जाए तो उसे हम अनमेटल रोड कहेंगे पर अगर कॉन्क्रीट का यूज किया जा रहा है तो उसे हम मेटल रोड कहते हैं ठीक है फिगर में आप ये देख सकते मेटल रोड है ये अनमेटल रोड है द प्लेन्स अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स अब वापस आ गए हम लोग कि प्लेन रीजन में ही सबसे अच्छी रोड होती हैं क्यों क्या रीजन है कई बार पढ़ा है हम लोगों ने इट इज कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन प्लेन रीजन में ही एक अच्छा रोड नेटवर्क इसलिए हो पाता है क्योंकि प्लेन रीजन की जो लैंड होती है वो स्टेबल होती है रेगुलर होती है अनलाइक द माउंटेनस रीजन और प्लेटोक रीजन प्लेन रीजन में जो लैंड है वो स्टेबल है रेगुलर है इसलिए वहां पर मेटल्ड रोड जैसी रोड बनाना भी पॉसिबल हो पाता है बट रोड है क्योंकि ट्रांसपोर्ट एज अ ओवरऑल फील्ड में डेवलपमेंट हुआ इसलिए रोडवेज में भी बहुत डेवलपमेंट होने की वजह से एंड दट टू साइंटिफिक डेवलपमेंट होने की वजह से आज डेजर्ट एरियाज में फॉरेस्ट एरियाज में डेंस फॉरेस्ट में हाई माउंटेनस रीजन में भी रोड्स बनाई गई हैं ठीक है साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ कि इतने में कैसे रोड बनाई जाए तो बहुत रिसर्च के बाद उन्होंने कुछ एक प्रोसेस निकाला जिसकी हेल्प से उन्होंने mountain region में dense forest में desertic conditions में भी रोड को बना पाना उनके लिए पॉसिबल हुआ ओके सो बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रोडवेज देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू मेक रोड इन ऑफ डेजर्ट फॉरेस्ट एंड हाई माउंटेन्स इन द प्रेजेंट वर्ल्ड आज की दुनिया में पॉसिबल है वर्ल्ड मनाली से मनाली हिमाचल प्रदेश में है और ले, ले लद्दाख जो यूनियन टेरेटरी है मनाली से ले कनेक्ट करता हुआ यह हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओनली बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड द कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट पॉलिसीज उन पॉलिसीज की वजह से ही ये दुनिया का दुनिया का सबसे ऊंचा रोडवे है ऊंचा लॉन्गेस्ट नहीं बोल रही हूं लार्जेस्ट नहीं बोल रही हूं हाइएस्ट बोल रही हूं हाई मीन सी लेवल से बहुत ऊपर है यह अगर यह सी है तो मनाली और ले का हाईवे यहां है दुनिया में सबसे ऊंचा रोडवे है मनाली से ले को कनेक्ट करता हुआ हाईवे

एक और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रोडवेज को लेकर यह है कि जहां रोड जा रही है वो रोड तो है ही उसके नीचे से भी एक रोड निकाल दी ट्रैफिक को हटाने के लिए और लोगों की फैसिलिटी देने के लिए और उस रोड के ऊपर से भी एक रोड बना दी तो जो अंदर से अंडरग्राउंड रोड जो है उसे हम कहते हैं सबवे और जो मेन रोड के ऊपर से उड़ता हुआ रोड जा रहा है उसे हम कहते हैं ओवर दैट मीनस मान लीजिए ये एक सड़क जा रही है मेरी लाइन को ध्यान से देखना ये एक सड़क जा रही है और यहाँ पर भैया बहुत ट्रैफिक लगता है बहुत ज्यादा ट्रैफिक है गाड़ियां ज्यादा है सड़क छोटी है तो क्या किया गया इसके ऊपर से एक रोड बना दी गई फ्लाई ओवर कि कुछ लोग यहां से चले जाए और कुछ लोग इस रोड से चले जाए और ये बनाई कैसे जाती है पहले यहाँ पिलर्स खड़े किए जाते हैं पिलर खड़े करके उसके ऊपर फ्लाई ओवर बना दिया जाता है इसी तरह से सब वे भी बनाया जा सकता है दैट मीनस मेन रोड के नीचे से एक रोड जा रही है अंडरग्राउंड उसे हम कहते हैं सब वे तो ये रोडवेज का डेवलपमेंट ही है जिसकी वजह से पहली बात तो टफ टराय में भी रोड्स बन पाए ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए आना जाना गुड्स की सप्लाई हो सके आसानी से उसके बाद लोगों की फैसिलिटी के लिए ट्रैफिक को हटाने के लिए अलग अलग तरीके के रोडवेज बनाए गए दैट मीन मेन रोड के नीचे से भी मेन रोड के ऊपर से भी रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया सो दैट रोडवेज और एक्सटेंड हो पाए कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाए और जितने लोग बढ़ रहे हैं रोड्स पर वो आसानी से मूव कर सके राइट मूविंग फर्दर अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे विच इज रेलवे तो जो ये रेलवे एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मीनस है क्योंकि इसकी हेल्प से ना केवल मास ऑफ पीपल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं बल्कि हैवी गुड्स भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं क्विकली द रेलवे ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज क्विकली एंड चीपली ठीक है अगर आप इसे कंपेयर करोगे एयरवेज की कॉस्ट से तो ये काफी चीप साबित होता है इफ यू आर गोइंग तो जितना फ्यूल आपका लगेगा एक डिस्टेंस से दूसरी जगह जाने में रेलवेज में वो कम पड़ता है वो कॉस्ट ठीक है द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन हेल्प इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो गया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से गुड्स की सप्लाई बहुत जगह पर जाने लग गई जिसकी वजह से रेल ट्रांसपोर्ट का बहुत डेवलपमेंट हुआ स्टीम इंजन बना तो एक अच्छी ट्रेन बन सकी ठीक है कॉन्सेप्ट को समझो स्टीम इंजन बना था इसलिए एक अच्छी ट्रेन बन सकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ मतलब इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा ग्रो करी मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी कॉमर्स बहुत ज्यादा होने लग गया इस रेवोल्यूशन की वजह से एक गुड जो किसी एक कंट्री में बनता था अब वो दूसरी कंट्रीज में भी सप्लाई होने लग गया सप्लाई तो हो रहा है पर ये गुड्स जाएंगे कैसे तो इतने सारे मास ऑफ गुड्स जाता था रेल ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ठीक है तो एक तरफ जहां अच्छी ट्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है वहीं पर गुड्स की सप्लाई भी बढ़ रही थी डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन पर अब आज के समय में मॉडर्न टाइम में स्टीम इंजन अब बेरली कोई चलाता है डीजल और इलेक्ट्रिकल इंजन ही अब चलते हैं ठीक है इन प्लेसेस सुपर फास्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द जर्नी इवन फास्ट ट्रेन वैसे तो बहुत फास्ट चलती है पर कुछ जगहों पर और इनफैक्ट आप अपने सिटीज में स्टेट्स में भी देखते हो गए सुपर फास्ट ट्रेन रन करती हैं सो दैट जर्नी और ज्यादा फास्ट हो सके द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरिया प्लेन एरिया में तो रेलवे नेटवर्क जैसे कि रोडवेज प्लेन एरिया में ज्यादा अच्छा बन सकता था वैसे ही रेलवे भी प्लेन एरिया में ज्यादा अच्छी बन पाती है बेटा देखो ऐसा कोई भी कम्यूटेशन ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस या फैसिलिटी होगी तो वो प्लेन एरिया में जनरली अच्छी बन पाती है क्योंकि प्लेन एरिया की जो लैंड है वो ज्यादा स्टेबल होती है कांस्टेंट होती है रेगुलर होती है है ना अगर कोई रफ टेरेन है हिली रीजन है या फ्लैटोइ रीजन है वहां पर रोडवे रेलवे बनाना थोड़ा सा टेक्निकल होता है In comparison to the plain areas, so the railway network is well developed over the plain areas. Advanced technological skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also. अब जब government को लगा और अलग-अलग countries अलग की government को ना केवल India में बल्कि और भी बहुत सारी countries में government को लगा कि plain area में तो railway track बिछाना आसान है, पर हमें अच्छी connectivity बनाने के लिए mountain terrains पे भी तो जाना होगा। क्योंकि जो माउंटेन्स पे रहते हैं उन्हें भी इधर उधर जाना होता है या उनको भी गुड्स की जरूरत होती है दे ऑल्सो डिमांड वेरियस वराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस उन तक भी कैसे पहुंचाई जाए रेलवे लाइन तो इसी के साथ टेक्नोलॉजिकल स्किल्स का एडवांसमेंट हुआ डेवलपमेंट हुआ और फिर कोई टेक्निक्स निकाली गई जिसकी हेल्प से माउंटेन टाइन्स पे भी रेलवे लाइंस को स्प्रेड करना शुरू किया गया बट डीज आर वेरी मच डीज आर मच प्यूअर इन नंबर ठीक है माउंटेन्स पे बहुत ज्यादा ट्रेन नहीं जाती हैं क्योंकि आपको भी पता है माउंटेन एक तो पहली बात इरेगुलर सरफेस है, है और एक सेंसिटिव रीजन भी है बहुत सेंसिटिव रीजन भी होता है माउंटेन तो अगर आप बहुत ज्यादा उस पर रोड एंड रेलवे लाइन ये सब बनाने लग जाओगे तो माउंटेन इतना भार संभाल नहीं पाएगा एंड इट मे कोलाप्स ठीक है तो ट्रेन चलती है माउंटेनस टेराइन्स पे भी पर बहुत कम नंबर में अगर आप प्लेन एरिया से रेलवे को कंपेयर करोगे कि प्लेन एरिया में कितना रेलवे का डेवलपमेंट है और माउंटेन्स में कितना डेवलपमेंट है तो प्लेन एरिया में आपको ज्यादा रेलवे लाइन मिलेंगी क्योंकि वो एक स्टेबल रेगुलर लैंड है इसलिए वहां पर इस तरीके के कम्यूटेशन सर्विस दे पाना थोड़ा आसान होता है इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड एंड लेट मी टेल यू इट इज लार्जेस्ट इन एशिया एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क इंडिया का है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एशिया

जिन्हंग से लासा जाने के लिए जो रेलवे ट्रैक है वो कुछ इस तरह से है ठीक है तो कुछ 4000 मीटर की हाइट पे है ये रेलवे ट्रैक जहां से ये शुरू होता है और एक पॉइंट पे आके तो इसका हाईएस्ट पॉइंट 5000 मीटर हो जाता है ठीक है तो ये इतने ऊंचे पे ट्रेन चलती है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये रेलवे की टेक्नोलॉजिकल स्किल्स के एडवांसमेंट को शो करता है डू यू नो द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम नेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू लादी वॉस्टॉक ऑन द पैसेफिक कोस्ट ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है लॉन्गेस्ट बोल रही हूं क्योंकि लार्जेस्ट तो इंडिया का है एशिया में लार्जेस्ट तो इंडिया का है एशिया में बट लॉन्गेस्ट जो है जो सबसे लंबा है पूरी दुनिया में वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे वो सेंट पीटर्सबर्ग को जो कि वेस्टर्न रशिया में है व्लादिवोस्टोक तक मिलाता है जो कि पैसिफिक कोस्ट पे जाके मिलता है ठीक है आप यहाँ पे देख भी सकते हो ये है सेंट पीटर्सबर्ग और ये है व्लादिवोस्टोक यहां तक जाती है ये पूरी रेलवे लाइन इसलिए ये दुनिया की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी नहीं है पर सबसे लॉन्गेस्ट है रेलवे सिस्टम ओके ये साइबेरियन रेलवे की एक फोटोग्राफ है यहाँ पे ठीक है तो रेलवे आई थिंक आपको समझ में आ गया कि रोडवेज के कंपैरिजन में ज्यादा लोगों को और ज्यादा गुड गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाता है क्विकली एज वेल एज चीपली रेलवे की शुरुआत होती है जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन होता है और फिर इसका डेवलपमेंट बढ़ जाता है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है क्योंकि अब ज्यादा ट्रेन की जरूरत पड़ रही थी गुड्स को सप्लाई करने के लिए फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए और स्टीम इंजन को रिप्लेस करा डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन ने फिर धीरे धीरे सुपर फास्ट ट्रेन भी आने लगे जिन्होंने जर्नी को और ज्यादा तेज बना दिया प्लेन रीजन में रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छे से स्प्रेड एंड डेवलप्ड है माउंटेनस रीजन पे इतना डेवलप्ड नहीं था बट विद दी हेल्प ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स अब माउंटेनस ट्राइन पे भी रेलवे नेटवर्क स्प्रेड हो चुके हैं बट वो प्लेन के कंपैरिजन में बहुत कम है इंडियन रेलवे नेटवर्क एक बहुत ही डेवलप्ड सिस्टम है हाँ हम जानते हैं कि ट्रेन बहुत लेट हो जाती हैं ड्यू टू वेरियस एंड बट हमारा रेलवे नेटवर्क डेवलप्ड बहुत अच्छे से है और एशिया का लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है अगर हम लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम की बात करें तो वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम क्योंकि वो सेंट पीटर्सबर्ग से लादिस्टॉक को मिलाता है जो कि अपने आप में एक सबसे लंबा रेलवे लाइन है ओके okay? रेलवे के बाद बच्चों आ जाते हैं आप पानी पे वाटरवेज पे दैट मींस, वॉटर के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हो सो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वर व्यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन फैक्ट अगर किसी को पता हो वास्को डा द फर्स्ट पर्सन जो एक फॉरन लैंड से इंडिया आया था और उसने कैलिकट पे लाके अपनी शिप को लैंड कराया था ठीक है या पोर्ट डॉक कराया था कुछ भी कह सकते हो आप ठीक है और ये बात है लेट फिफ्टीन सेंचुरी की लेट फिफ्टीन सेंचुरी कुछ फोर्टीन नाइनटी एट के आसपास वो आए थे और वहां से हमें पता चलता है कि फिफ्टीन सेंचुरी में जब कोई इंडिया आ रहा है तो दैट मीनस वाटरवेज अपने आप में एक बहुत ही पुराना ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है ठीक है तब तक रेलवे लाइन एयरवेज ऐसा कुछ नहीं बना था केवल लोग सड़क से आते जाते थे जहां तक रोड है वहां तक लोग जाते थे उसके अलावा किसी के पास कोई चॉइस नहीं थी ये तो बात होगी कि फॉरेनर हमारे यहां आए थे इससे पहले भी बच्चों इंडिया में बोट्स का और एक बहुत स्मॉल लेवल पे नेवी का डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका था ठीक है तो वॉटरवेज हमेशा से ही हिस्टोरिकल पीरियड से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहा होगा

पर ये चीप बहुत होते हैं सस्ते होते हैं तो अगर आप वाया शिप अपना कोई सामान भेजते हो तो उसमें आपको बहुत कम कॉस्ट इनकर होती है वाटरवेज सबसे चीपेस्ट तरीका है बल्कि गुड्स को भेजने का ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस अगर आप बहुत दूर कहीं अपना सामान भेज रहे हो तो वॉटरवेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है दे आर मेनली टू टाइप्स रोडवेज में देखो आपके पास व्हीकल्स तमाम तरीके के होते हैं पर आपको जाना सड़क से ही होता है रेलवे में आपके पास तरह तरह की ट्रेन है कुछ सुपरफास्ट कुछ एक्सप्रेस ट्रेन है ना कुछ इस टाइप की ट्रेन है पर आपको जाना रेलवे लाइन से ही होता है पर वॉटरवेज दो तरीके के हो सकते हैं या तो आप इनलैंड वॉटरवेज में जा रहे हो या तो आप सी रूच को फॉलो करते हुए जा रहे हो नेविगेबल रिवर्स एंड लेक आई यूज इनलैंड वाटरवेज अगर आपकी ही स्टेट में कोई ऐसी रिवर है जिसकी हेल्प से आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच सकते हो तो उसे हम कहेंगे इनलैंड वाटर वेज जैसे कि हमारी इंडिया में बहुत सारे ऐसे इनलैंड वाटर वेज हैं ठीक तो है अलाहाबाद से बंगाल जा सकते हो आप दैट मीन्स उत्तर प्रदेश की स्टेट से बिहार होते हुए झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल तक आप जा सकते हो तो ना केवल एक डिस्ट्रिक्ट बल्कि आप स्टेट्स को भी हॉप कर सकते हो इनलैंड वाटर वेज की हेल्प से और कैसे कर रहे हो गे? जो रिवर्स आपकी कंट्री के अंदर फ्लो करती हैं उनकी हेल्प से फॉर एग्जाम्पल गंगा भागीरथी हुगली इन सारी रिवर्स की हेल्प से ही ये सारी स्टेट्स कनेक्ट होती हैं तो जब किसी एक कंट्री के अंदर रिवर्स की हेल्प से या लेक्स की हेल्प से आप एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हो या आपका गुड एक तरह से एक तरफ से दूसरी तरफ सप्लाई हो सकता है तो उसे हम इनलैंड वॉटर वे कहते हैं आपकी कंट्री की लैंड के अंदर ही एक बना हुआ पानी का रास्ता उसे हम कहते हैं इनलैंड वॉटरवे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वॉटरवेज समी इंपॉर्टेंट इनलैंड आर आदि गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम द ग्रेट लेक्स इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन आफ्रीका ठीक है यहाँ पे दुनिया भर के आपको एग्जाम्पल दे दिए गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एक बहुत ही अच्छा रिवर सिस्टम है इनलैंड वाटरवेज के लिए नॉर्थ अमेरिका में भी ऐसा ही एक सिस्टम है जो ग्रेट लेक्स के थ्रू जाता है और अफ्रीका में नाइल रिवर जो सबसे लंबी रिवर है पूरी दुनिया की लार्जेस्ट नहीं है लॉन्गेस्ट है प्लीज तो लॉन्गेस्ट रिवर अफ्रीका में जो है उस पर भी इसी तरीके के इनलैंड वाटर वे सिस्टम डेवलप हुए हैं और आज भी लोग ट्रांसपोर्ट के ट्रांसपोर्ट के मीडियम से उसको यूज करते हैं दैट मीनस अगर उन्हें कहीं जाना होता है फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टू अनदर या अगर उन्हें अपना गुड्स सप्लाई करना होता है तो वो इस वॉटर वे का इनलैंड वाटर वे का यूज जरूर करते हैं क्योंकि ये चीप पड़ता है सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड द गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू वन अदर बट अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है तब आपको सी रूट्स की हेल्प लेनी पड़ती है क्योंकि गंगा केवल इंडिया के अंदर ही तो फ्लो करेगी ना जैसे ही वो दूसरी कंट्री में एंटर करेगी उसका नाम बदल चुका होगा और फिर आपको कोई अपनी शिप अपनी कंट्री के अंदर क्यों लाने देगा है ना? Be needing a lot of licenses for it. तो जब आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना होता है तो हम सी रूट्स का ये ओशनिक रूट्स का इस्तेमाल करते हैं गुड्स ठीक है फ्रॉम वन कंट्री टू अनादर देन वी यूज सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स एज a मीडियम एन अ सोर्स फॉर वाटर वेस्ट दीज रूट आर कनेक्टेड विद दोर्ट अब देखो ट्रेन कहीं जाती है तो कहाँ रुकती है रेलवे स्टेशन पे रुकती है बसेस के थ्रू अगर आप रोडवेज से जा रहे हो तो बस कहाँ रुकेगी बस स्टैंड पे रुकेगी वैसे ही शिप्स जब एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाती है जब वो कनेक्ट होती है तो वो किसी ना किसी दूसरी जगह के पोर्ट पर जाके स्टॉप करती है वो जो पूरा रास्ता है गंगा नदी अगर यहाँ से शुरू हो रही है और आपको किसी दूसरी स्टेट तक जाना है जहां गंगा फ्लो करती है तो उस दूसरी स्टेट के पोर्ट पे जाके आपकी शिप रुकेगी है ना यहां पर जाके आपकी शिप स्टॉप हो जाएगी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के सबसे बिजी और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जिन्हें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो है सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया न्यूयॉर्क लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका रियो डी जनेरियो इन साउथ अमेरिका डर्बन एंड केप टाउन इन अफ्रीका सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया लंडन एंड रॉटरडाम इन यूरोप ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बिजिएस्ट शहर हैं जहां पर पोर्ट्स पे हमेशा ट्रैफिक लगा रहता है इतना ज्यादा मार्केट है और इतना ज्यादा यूटिलिटी है यहाँ पर वाटरवेज की कि हमेशा ये फ्लडेड रहते हैं शिप्स एंड बोट्स से ठीक है कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अगर आपको पता है और पोर्ट्स का नाम तो प्लीज बताइएगा यहाँ पे यहाँ पे एक इमेज है इनलैंड वॉटर वे की जैसे कि आप देख सकते हो ये एक रिवर है पानी देख के समझ में आ रहा होगा कि ये एक रिवर का वाटर है एंड द शिप इज गेटिंग लोडेड विद पीपल देखो लोग इसको अपना ट्रांसपोर्ट की तरह से यूज कर रहे हैं कि रिवर की ही हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाए ठीक है तो हम लोगों ने वॉटर अ थर्ड फॉर्म ऑफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट भी स्टडी कर लिया आगे बढ़ते हैं एयरवेज पे द लास्ट ऑफ़ ट्रांसपोर्ट अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लास्ट पे ऑफ़ ट्रांसपोर्ट का लास्ट क्या था भैया एयरवेज उड़ के जाने वाला है ना सबसे लास्ट में इसका इंट्रोडक्शन हुआ है इसलिए सबसे लास्ट में इसको पढ़ रहे हैं दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन दी अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी अर्ली नाइनटीन हंड्रेड में एयरवेज का डेवलपमेंट हुआ था इट इज ऑल्सो ऑफ फ्यूल्स पहली बात तो न, इसका सेंचुरी अर्ली ट्वेंटी इंट्रोडक्शन हुआ पॉइंट नंबर वन सेकेंड ये फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है ठीक तीसरा एक्सपेंसिव बहुत है और ये बच्चों एक्सपेंसिव इस वजह से है क्योंकि चाहे हेलीकॉप्टर हो चाहे एरोप्लेन चाहे कोई जेट हो उसको उड़ने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है ऐसे एयरक्राफ्ट एयरप्लेन को उड़ने के लिए और वो फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव भी होता है ठीक है नॉर्मल पेट्रोल जो हम लोग अपनी गाड़ियों में डलवा लेते हैं वैसा नहीं थोड़ा अलग क्वालिटी का फ्यूल डलता है प्लस बहुत ज्यादा फ्यूल लगता है इस वजह से इनकी टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉम्स और अगर कहीं फॉग है स्टॉम है या कई बार कुछ जगहों पर जहां वोल्केनो बहुत इरप्ट होता है अगर वोल्केनो की ऐश आसमान में उड़ रही है ऐसी चीजों की वजह से एयर ट्रैफिक भी एडवर्सली एडवर्सलीफेक्ट होता है फिर प्लेन्स को डीले होना पड़ता है वो उड़ नहीं सकती उन्हें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इट इज दी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज स्पेशली वेयर देर आर नो रोड एंड रेलवे सबसे अच्छी बात एयरवेज की ये होती है कि वो सबसे रिमोट इलाकों में भी जाया जा सकता है ठीक है तो मान लो अगर कोई एक ऐसी जगह है जहां ना रोड बन सकती है ना रेलवे वहां पर एरोप्लेन जरूर चला जाएगा अब आप कहोगे मैम जब रोड नहीं बन सकती तो एरोप्लेन उतरेगा कैसे देखो बच्चों एरोप्लेन को उतरने के लिए कुछ महज थोड़े से ही किलोमीटर की रोड चाहिए होती है वो तो बनाई जा सकती है पर पूरे रिमोट एरिया में अगर पूरा रिमोट एरिया 50 किलोमीटर का है 50 किलोमीटर की रोड तो नहीं पॉसिबल है ना लेकिन दो से तीन किलोमीटर या जितना भी रनवे होता है एरोप्लेन का उतनी लैंड बनाई जा सकती है इसलिए एरोप्लेन से ऐसे रिमोट जगहों पर जाना जहां ऐसे ही रोड के थ्रू या रेलवे के थ्रू जाना टफ होता है वहां पर एयरवेज बहुत अच्छा काम कर सकती हैं अच्छा कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि कोई एक जगह ऐसी है जहां रोड ड्यू टू जोग्राफिकल फीचर्स नहीं बन सकती वहां की ज्योग्राफी इतनी टफ है कि वहां पर रोड नहीं बन सकती ऐसी जगहों पर भी एरोप्लेन बड़ा काम आता है ठीक है एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर बहुत काम आते हैं ठीक है अब जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो केदारनाथ का, केदारनाथ के पास केदारनाथ जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है वहां तक रेलवे या वहां तक रोड नहीं जा सकती है यह आपको भी पता है पर वहां एक कोने में हेलीपैड जरूर बनाया हुआ है जहां हेलीकॉप्टर उतर सकता है ठीक तो किसी एक कोने पे एक एयरवे का सोर्स रखना ज्यादा आसान हो जाता है ऐसे रिमोट एरियाज में ऑल राइट आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इन एक्सेबल एरियाज़ एंड इन टाइम ऑफ कलैमिटीज फॉर रेस्क्यूइंग रेस्क्यूइंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड वाटर क्लोथ एंड मेडिसन्स ठीक है स्पेशली उन इलाकों में जहां अगर कोई कलैमिटी आ गई है या अगर कोई वॉर जोन चल रहा है ऐसी जगहों पर हेलीकॉप्टर्स तो बहुत ज्यादा काम आते हैं ठीक है आपने कई मूवीज में भी देखा होगा कि कहीं वॉर्स हो रहे होते हैं और अगर हमारे सोल्जर्स जो भी बहुत ब्रेवली फाइट करते हैं और उन्हें चोट लग जाती है तो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स जाते हैं या फिर कहीं अगर अनफॉर्चुनेटली जहाँ अर्थक्वेक आ गया या किसी तरीके की लैंड है वहां पर लोगों को बचाने के लिए भी हेलीकॉप्टर्स के थ्रू जाया जाता है ठीक है क्योंकि ये एक ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयरबेस का जो आसानी से कहीं जाकर उसे कहीं भी लैंड करवा कर लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है ठीक या अगर खाना बांटना हो पानी बांटना हो कपड़े या मेडिसिन बांटना हो ऐसी चीजों में भी एयरवेज ज्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल साबित होते हैं सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली मुंबई न्यूयॉर्क लंडन पैरिस फ्रैंकफर्ट एंड कायो ये जगहें आप इस मैप पे देख सकते हो ठीक है इस मैप पे बहुत सारे मेजर सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स दोनों के दोनों मेंशन है आप आसानी से इस मैप से स्टडी कर सकते हो आप चाहो तो अपने एटलस में भी इनको देख सकते हो एटलस में भी इंपॉर्टेंट सीपोर्ट्स एंड एयरपोर्ट जरूर बने होंगे ठीक है तो इसी के साथ हमारा एयरवेज द सेक्शन ऑफ एयरवेज दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट का लास्ट मीन्स एयरवेज भी फिनिश हो जाता है तो इसके साथ हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्शन सेक्शन इज फिनिश्ड ओके ट्रांसपोर्ट सेक्शन यहीं पे खत्म होता है चार तरीके के ऑफ ट्रांसपोर्ट थे है ना रोडवे रेलवे वाटरवे एंड एयरवे और और हम लोगों ने चारों ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट फिनिश कर लिया तो सेक्शन फिनिश्ड नाउ अपने बातचीत कैसे हो रही है एक दूसरे से कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है और कैसे एक बहुत अच्छा ह्यूमन और इन्वायरमेंट के इंटरक्शन में कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है सो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स दूसरों तक अपना मैसेज कन्वे करना कम्युनिकेशन कहलाता है जैसे कि मैं आपको कर रही हूं आई टू यू राइट ये भी तो एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है कि मैं अपने लेक्चर्स या मैं आपको जो भी पढ़ाना चाहती हूँ वो आप तक पहुंच पा रहा है मेरा मैसेज आप तक कन्वे हो रहा है एंड दैट इज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा पहले मम्मी पापा आपके बताते होंगे कि वो लोग लेटर्स लो लिखते थे है ना कई लोग टेलीग्राम लिखते थे टेलीग्राम जो एप्लीकेशन है वो नहीं बच्चों एक लेटर के फॉर्म में ही टेलीग्राम होता था पर उसमें बहुत शॉर्ट में मैसेज को लिखना होता था ठीक है ओके okay. तो पहले के जमाने में लेटर और टेलीग्राम पोस्ट किए जाते थे ठीक है फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हुई हम लोग थोड़ा टेलीफोन पे आ गए टेलीफोन पे हम लोग बात करने लग गए राइट फिर टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई तो हम लोग मोबाइल फोन पे बात करने लगे टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई और हम लोग को इंटरनेट मिल गया और फिर इस इंटरनेट ने तो धूम मचा दी है ना इससे तो कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही आसान हो गया द फिगर एक्सप्लेन दूशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम मैं भी आपको एक डायग्राम दिखाती हूं जिसमें कम्युनिकेशन सिस्टम के एवोल्यूशन को बहुत ही डिसेंटली समझाया गया है उससे पहले समझते हैं और थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन को सो द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड जैसे कम्युनिकेशन के फील्ड में एडवांसमेंट होता जा रहा है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के फील्ड में आगे बढ़ती जा रही है इंफॉर्मेशन का रेवोल्यूशन आ गया है मान लो हर किसी के पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता है आप उसे बड़े आसानी से इंटरनेट पे ढूंढ के समझ सकते तो हो ठीक है तो इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहले इंफॉर्मेशन नहीं होती थी और उन्हें पता भी नहीं होता था कि उन्हें कहाँ जाकर पूछना चाहिए ना उनके पास हर तरीके की बुक्स होती थी ना उनके पास इस तरीके की इंटरनेट सर्विस थी बट आज जिस तरीके से कम्युनिकेशन सर्विस और टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है देर इज डेफिनेटली अ रेवल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दुनिया में तो अगर कोई सच में पढ़ना चाहता है या जानना चाहता है क्यूरियस बींग होकर भी अगर कुछ जानना चाहता है तो उसके लिए चीजें आज बहुत आसान हो गई हैं दुनिया में डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन कम्युनिकेट करने के लिए बहुत तरीके के मोड्स अब मार्केट में आ चुके हैं और उन मोड्स को यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन देने के लिए भी आपको पढ़ाने के लिए भी और आपको एंटरटेन करने के लिए भी हर पर्पस में कम्युनिकेशन है मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ये भी कम्युनिकेशन है जो आपके फेवरेट एक्टर्स एक्टिंग करके आपको एंटरटेन करते हैं तो वो भी एक कम्युनिकेशन है है ना और गवर्नमेंट कोई स्कीम्स के बारे में आपको बताती है एडवर्टीजमेंट में आपको न्यू चिप्स कौन से आए हैं मार्केट में इसके बारे में पता चलता है न्यू बाइक कौन सी आई है न्यू कार कौन सी आई है इस टाइप की जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है ठीक है थ्रू न्यूज रेडियो टेलीविजन वी कैन कम्युनिकेट लार्ज नंबर ऑफ पीपल ठीक है आपको भी पता है कि आपके घर में न्यूज आता है या कभी आपने रेडियो चलते हुए सुना होगा या फिर टेलीविजन तो हम सब देखते होंगे कहीं ना कहीं और आपको पता है कि ये मेजर सोर्सेस हैं कम्युनिकेशन के ये क्यों मेजर सोर्स है वाई कौन बताएगा मुझे

दे आर दू कॉल्ड मास मीडिया इसे हम मास मीडिया का नाम देते हैं क्या नाम देते हैं मास मीडिया नाम से ही समझ में आ रहा रह होगा देखो ये तो सब मीडिया के सोर्सेस हो गए है ना इसलिए मीडिया शब्द यूज किया गया है और मास क्यों बोल रहे हैं क्योंकि एक साथ एक मास लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है तो जब एक साथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है और उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए जिस भी मीडिया का यूटिलाइजेशन किया जाता है उस सोर्स को हम कहते हैं मास मीडिया ठीक है रीडिंग फर्दर इवन faster. देखो आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई आपके पास इंटरनेट है पर कभी आपने सोचा है कि इंटरनेट काम कैसे करता है यह इंटरनेट बच्चों काम कर पाता है सैटेलाइट की हेल्प से और हमारी गवर्नमेंट इनफैक्ट दुनिया की बहुत सारी गवर्नमेंट बहुत सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करती हैं और फिर वो सैटेलाइट वो सैटलाइट अर्थ पे सिग्नल्स भेजती है अर्थ से सिग्नल्स लेती है ठीक है आपको लगता होगा कि अगर आप किसी एक जगह पे बैठे हो और आप अगर इंटरनेट यूज कर रहे हो तो कितनी जल्दी जल्दी सिग्नल्स जाते होंगे और कितनी जल्दी सिग्नल्स आते होंगे जी हां बच्चों ये सिग्नल्स का मूवमेंट बहुत तेजी से होता है ठीक है सेकेंड भी नहीं लगते और इतनी तेजी से इन सिग्नल्स का मूवमेंट होता है जिसके बेसिस पे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रीड कर पाते हो इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो इंस्टाग्राम चला पाते हो आई एम श्योर आप लोग खुद अपना अकाउंट नहीं चलाते हो अपने पेरेंट्स के फोन पे आपने अपने पेरेंट्स के अकाउंट को देखा होगा ठीक है आई वॉज जस्ट जोकिंग अराउंड बट आप जिस तरीके से भी इंटरनेट को यूज करते हो वो सारा कम्युनिकेशन हो पाता है बिकॉज ऑफ दैटलाइट सैटेलाइट की वजह से ही ये सर्विस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो और आसान और तेज हो गई है ठीक है एफिशिएंसी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट्स इन द स्पेस सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट अंडरग्राउंड वाटर मिनरल वेल्थ वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग ठीक है तो ना केवल योर एंटरटेनमेंट बल्कि ये सैटेलाइट्स और भी चीजों में काम आते हैं हमारे जैसे कि सैटेलाइट्स के कैमरास पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं वो ठीक है और फोकस करते हैं आपकी पर्टिकुलर कंट्री पे हम लोगों ने जो सैटेलाइट स्पेस में भेजी है वो सैटेलाइट जाहिर सी बात है हमारी कंट्री के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देती है ठीक तो मान लो अगर हमारी ये हमारी कंट्री है ठीक है ये हमारी कंट्री है यहाँ हमारी सैटेलाइट लगी हुई है वो सैटेलाइट हमें पिक्चर्स क्लिक करके देती है कि यहाँ पर ऑयल की सोर्स अच्छी है आप यहाँ से ऑयल निकाल सकते हो वो हमें फॉरेस्ट का सर्वे भी देती है कि इतने फॉरेस्ट डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर की भी इंफॉर्मेशन हमें इन सेटेलाइट की हेल्प से मिलती है मिनरल वेल्थ के बारे में भी लोकेशन हमें पता चलती है कि कौन से लोकेशन पे कौन सा मिनरल ज्यादा क्वांटिटी में पाया जा सकता है वेदर फोरकास्ट ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है हमें वेदर फोरकास्ट के बारे में सैटेलाइट से पता चलता है ठीक है क्योंकि जो मेटर डिपार्टमेंट वाले हैं वो लोग स्टडी करते हैं वेदर को ठीक है अलग अलग सैटेलाइट की हेल्प से स्टडी करते हैं और फिर वही इंफॉर्मेशन हम तक कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू पहुंचाते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू हम तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि कल बारिश होने वाली है कल बर्फ गिरने वाली है या फिर कल बहुत तेज धूप निकलने वाली है ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन इनफैक्ट डिजास्टर वार्निंग की इंफॉर्मेशन भी इन्हीं इन्हींइट की हेल्प से हमें मिल पाती है ओके सो नाउ वी कैन सेंड ई मेल्स थ्रू इंटरनेट एज वेल बिकॉज ऑफ दीज कमिकेशन सैटलाइट ओके यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम न्यूज पेपर एंड टीवी चैनल इन हिंदी इंग्लिश और एनी रीजनल लैंग्वेज ठीक है आपको कुछ न्यूज के नाम बताने हैं और कुछ टीवी चैनल्स के टीवी न्यूज चैनल्स के नाम बताने हैं इंग्लिश के भी हिंदी के भी और आपकी पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज के भी ठीक है रीडिंग रीडिंग फर्दर कम्युनिकेशन वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेल्युलर फोन हैव बिकम वेरी पॉपुलर टू आपको पता है हर किसी के पास मोबाइल फोन हो फिर वो चाहे जितना रिच हो चाहे जितना भी पोअर हो एक मोबाइल फोन अब हर हर कोई रखता है क्योंकि हर किसी को अपनी फैमिली से अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करना पड़ता है किसी एक पॉइंट पे और इसलिए सबके पास आज मोबाइल फोन जरूर होता है इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरक्शन बट हैज हैज्सो मेड अवर लाइफ मोर कंफर्टेबल ठीक है हमारी लाइफ बहुत आसान कर दी है इंटरनेट ने अब जैसे कि आप लोगों को पढ़ना था जोग्राफी है ना आप लोगों को लगा कि मुझे पे जाके भी पढ़ना चाहिए या आप कैसे पढ़ पा रहे हो क्योंकि आपके पास इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल है आपके पास एक मोबाइल फोन या कंप्यूटर है या टीवी है जिसके थ्रू भी आप ये देख पा रहे हो आपके पास वो फैसिलिटी है तभी तो आप ये लेक्चर घर बैठे देख सकते हो है ना क्योंकि आपके पास इंटरनेट है आपको इंटरनेट की हेल्प से वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है और आप दुनिया में किसी कोने में बैठे इंसान से इंटरक्ट भी कर सकते हो किसी से भी बातचीत कर सकते हो आप सो अगर आपका फ्रेंड आप इंडिया में रहते हो और अगर आपका फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है वॉट ऑल यू हैस्ट मेक अ फोन कॉल आप एक फोन कॉल करोगे और बातचीत हो जाएगी दैट तो इंटरनेट की हेल्प से ना केवल हमें दुनिया भर की इंफॉर्मेशन मिलती है बल्कि हम दुनिया में किसी से भी आसानी से इंटरक्ट भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ इंटरनेट ठीक है और यही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो हमारे कम्युनिकेशन को और इजी बनाता है ठीक है नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवे ऑफ इंटर कनेक्टिविटी ऑफ पीपल सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड वी आर अ लार्ज ग्लोबल सोसाइटी और अब हम लोग एक ग्लोबल सोसाइटी बन चुके हैं इंडिया में बैठ के आप यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक फ्लाइट की बुक टिकट बुक कर सकते हो आप किसी एक सेंटर पे बैठ कर किसी दूसरे सेंटर के थिएटर सिनेमा हाउस के टिकट्स को बुक कर सकते हो है ना और ये सब कुछ आसानी से बैठे बैठे घर पे फोन के थ्रू ही हो सकता है आजकल इतनी सारी सर्विसेज़ पॉसिबल हैं थ्रू योर मोबाइल फोन एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट इंटरनेट की हेल्प से ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाए हैं ठीक है थीके? और इसी ने हम सब को एक ग्लोबल एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी का फॉर्म दिया है ठीक है अच्छा मैंने आपको बताया था कि मैं कम्युनिकेशन का एक आपको एवोल्यूशन का एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन का एक चार्ट दिखाऊंगी, तो ये वो है आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हो लोग एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं तब बातचीत हो पा रही है उसके बाद एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को जाके पढ़ा रहा है फिर एवोल्यूशन आया लेटर का कि लेटर पोस्ट में आप डाल दीजिए पोस्टमैन उस लेटर को दे आएगा फिर आया एवोल्यूशन न्यूज का ठीक और बात का एवोल्यूशन तो आप देख ही सकते हो थिएटर आ गया टेलीविजन आ गया लैपटॉप आ गए मोबाइल फोन आ गया टेलीफोन आ गया फैक्स मशीन आ गई सैटेलाइट आ गई ये है प्रोग्रेस इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है तो यहां से आपको पता चलता है कि कम्युनिकेशन होता क्या है एक दूसरे से बात करना या अपना मैसेज किसी को कन्वे करना कम्युनिकेशन कहलाता है कम्युनिकेशन के बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं जैसे हम मास मीडिया का नाम देते हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से स्पेशली इंटरनेट के इंट्रोडक्शन की वजह से कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा आसान हो गया है जिसने हमें एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी बनाया है ठीक है तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन भी खत्म होता है ऑल राइट स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर लेट्स रिकॉल द चैप्टर हेल्प ऑफ सम एक्सरसाइजेस ठीक है क्योंकि एक्सरसाइज के बिना आई सेड मेनी एक्सरसाइज के बिना रिविजन कंप्लीट नहीं हो सकता असेस ही नहीं कर पाओगे आप कि आपने जितना कुछ समझा बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने समझी अब टाइम आ गया है कंसोलिडेट करके उसे आंसर के फॉर्म में प्रेजेंट करना so आपको शॉर्ट में आंसर करना है

सेटलमेंट से आप क्या समझते हो सेटलमेंट इज अ ग्रुप ऑफ हाउसेज वेयर पीपल लिव विद विदर फैमिलीज ठीक है ग्रुप ऑफ हाउसेज ऐसे लगातार हाउस हाउस बने हुए हैं ठीक है या फिर किसी का घर किसी तरीके से दिख सकता है किसी का घर किसी तरीके से दिख सकता है दैट्स नॉट द आइडिया बट ढेर सारे घर एक साथ बने हुए हैं और सब लोग अपने अपने घरों में अपने परिवारों के साथ रहते हैं उसे ही हम सेटलमेंट का नाम देते हैं ठीक है पार्ट नंबर थ्री एक्टिविटीज प्रैक्टिस बाय द रूरल पीपल जो रूरल पीपल है जो गाँव में लो, जो लो हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज प्रैक्टिस करते हैं हमने चैप्टर में भी पढ़ा था दैट पीपल हु बिलोंग टू द रूरल एरिया जनरली प्रैक्टिस प्राइमरी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब जो फर्स्ट स्टेज एक्टिविटीज होती है जनरली वो लोग वो काम करते हैं सो द एक्टिविटीज प्रैक्टिस बाय द रूरल पीपल आर एग्रीकल्चर एनिमल रेयरिंग पैस्टोर एक्टिविटीज फिशिंग माइनिंग एक्सट्रैक्टिंग एंड कलेक्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ट्रेडिंग ऑफ products विच आर रिलेटेड टू प्राइमरी एक्टिविटी मान लो उन्होंने क्रॉप उगाई तो क्रॉप को सेल करने का काम ठीक है या अगर वो एनिमल रेयर करते हैं तो उससे मिल्क निकलता है अगर वो काउस को रेयर करते हैं तो मिल्क निकलता है उसे सेल करना ठीक है अगर वो शीप रेयर करते हैं तो उसे वूल निकलता है उसे सेल करना ऐसी ट्रेडिंग प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड कोई ट्रेडिंग हमारे रूरल पीपल जो है वो प्रैक्टिस करते हैं ठीक है पर अगर सर्विस करने की बात हो या इंटरनेशनल ट्रेड करने की बात हो या फिर लार्ज लेवल ट्रेड फैक्ट्री मेड ट्रेड करने की बात हो तो वो अर्बन सेटलमेंट में होता है वो रूरल में नहीं होता ओके पार्ट नंबर फोर इज आस्किंग मेंशन एनी टू मेरिट्स ऑफ रेलवे मेरिट्स का मतलब बच्चों होता है या तो बेनिफिट एडवांटेज आपको उसके कुछ फायदे बताने हैं कुछ प्रोज बताने हैं रेलवे के तो आपको पता है पहली बात तो क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके बाद बल्क ऑफ गुड्स ले जा सकता है लॉन्ग डिस्टेंस तक तीसरा एक मैंने आपकी चॉइस के लिए रख दिया है कि चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है इफ यू कंपेयर द रेलवे प्राइसेस विद द एयरवे प्राइसेस तो आपको पता है कि रेलवे थोड़ा सस्ता होता है ठीक है सो यू कैन पिक दीज ऑप्शन एज द मेरिट्स ऑफ रेलवे क्विक मीन्स है बल्क गुड्स को दूर तक ले जा सकता है चीप मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट है ओके फिफ्थ पार्ट वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करने को क्या कहते हैं जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं ये एक तरीके का कम्युनिकेशन है आप अगर मुझसे कुछ डाउट पूछोगे ये एक तरीके का कम्युनिकेशन है ठीक है सो बाय कम्युनिकेशन वी मीन ट्रांसमिटिंग मैसेजेस आइडियाज एंड वर्ड्स और वो रिटन भी हो सकते हैं वो ओरल भी हो सकते हैं और वो दोनों भी हो सकते हैं जैसे मैं आपको जब पढ़ा रही हूं तो इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सारी चीजें लिखी भी हुई है और मैं ओरली आपको समझा भी रही हूँ दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है आप किसी को वीडियो कॉल करके बात करते हो आप किसी को फोन कॉल करके बात करते हो किसी को लेटर लिख के बात करते हो किसी को टेक्स्ट लिख के बात करते हो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन है ठीक है

उस न्यूज को लाखों लोग पढ़ते हैं वो एक मास मीडिया है क्योंकि उसमें जो भी छपा है वो लाखों लोग एक ही दिन में पढ़ ले रहे हैं एक ही दिन में में लाखों लोगों को पता चल गया कि उस पेपर में क्या छपा था रेडियो दूसरा एग्जाम्पल है रेडियो में कुछ न्यूज चल रही है और बहुत सारे लोग रेडियो सुनते हैं और सबने सुन लिया कि क्या मैसेज था तो कम्युनिकेशन एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जब मासेस तक पहुंचता है तो उसे हम मास मीडिया का नाम देते हैं ठीक है Moving further with the exercises, question number two है अब यहां पर क्वेश्चन नंबर वन यहाँ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको और उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ठीक है तीन ऑप्शन दिए हुए हैं स्टेटमेंट के साथ स्टेटमेंट इज सेम विच इज नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नॉट पूछा जा रहा है ऑप्शंस आर टेलीफोन बुक्स टेबल तीनों में से कौन सा मींस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है इट्स वेरी इजी टेबल टेबल से कुछ कम्युनिकेट थोड़ी ना होता है टेलीफोन से कम्युनिकेट हो सकता है बुक्स के थ्रू कम्युनिकेट हो सकता है टेबल से किसी फॉर्म का कम्युनिकेशन नहीं होता बी पार्ट स्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड जब हम जमीन के नीचे कोई सड़क बनाते हैं तो उसे हम किस टाइप की रोड कहते हैं ऑप्शन एक्सप्रेस वेज या सब वेज ध्यान से ऑप्शन को देखो फ्लाई ओवर एक्सप्रेस वेज और सब वे आंसर है सब वेज क्योंकि आप अंडर द ग्राउंड कोई सड़क बना रहे हो वो एक सब एक सब यूनिट के फॉर्म में एक रोड बन रही है ना इसलिए सब ओके सी विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सूटेबल टू रीच एन आइलैंड मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि ये आपकी कंट्री है यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है और यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है अब और यहाँ पे बीच में पानी है बे ऑफ बंगाल है अरेबियन सी है अब अगर आपको लैंड से आइलैंड जाना है कैसे जाओगे आप फ्लाई तो कर नहीं सकते है ना क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट्स नहीं है तो आप एरोप्लेन से नहीं जा सकते रोड नहीं है तो आप रोडवे से भी नहीं जा सकते रेल भी नहीं है तो आप रेल से भी नहीं जा सकते क्योंकि बीच में पानी है तो जब जहां पानी होता है ऑप्शन शिप ट्रेन और कार करेक्ट आंसर इज शिप वेरी इजी ओके फोर्थ डी पार्ट विच वहीकल डज नॉट पॉल्यूट दी इन्वायरमेंट ऐसे कौन सा यहां पर वहीकल है ऑप्शन में जो बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं करता साइकिल बस और एरोप्लेन वेरी इजी साइकिल क्योंकि हवा से वो टायर चलते हैं और आप आसानी से दूर तक जा सकते हो साइकिल चलाकर बिना किसी तरीके का कार्बन एमिट किए हुए है ठीक है टेक द करेक्ट आंसर फिनिश क्वेश्चन नंबर थ्री मैच द फॉलोइंग यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उनसे एसोसिएटेड क्लोज दिए हुए हैं यू हैव टू मैच द करेक्ट वर्ड करेक्ट क्लू ओके टेक यू टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्ड आर इंटरनेट किल रूट अर्बन एरियाज इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड एंड सर्विसेस क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउसेज हाउसेज ऑन स्टिल्ट स्टिल्ट मैंने बताया था ना मेटल की या वुड की रॉड के ऊपर घर बना होता है ठीक है तो जनरली जहां पानी होता है लोग वहां पर ऐसा घर बनवा लेते हैं ठीक है और फिर ऑप्शन में है इनलैंड वाटरवेज एंड लास्ट क्लू है अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ध्यान से समझो क्या होगा आंसर आंसर इज योर इंटरनेट एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है कैनाल रूट इनलैंड वाटरवे वे का तरीका है ठीक है कैनाल के थ्रू आप एक रूट निकाल रहे हो इनलैंड मतलब एक ही शहर एक ही स्टेट के अंदर एक इनलैंड वॉटर वे है वो ठीक है अर्बन एरिया वो एरिया जहां पर लोग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड और सर्विसेज देते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउसेस कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से बहुत ही शॉर्ट एरिया में बहुत सारे घरों का बन जाना कॉम्पैक्ट सेटलमेंट ठीक है फोर्थ क्वेश्चन गिव रीजंस ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि यहां पर फैक्ट दिया होता है और आपको उसका रीजन बताना होता है दैट व्हाई इज दैट फैक्ट ट्रू दैट मीन्स आपको फैक्ट तो पता है पर आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए उसका रीजन भी बताना पड़ता है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है ओके सो द फैक्ट गि टूडेज वर्ड इज श्रिंकिंग आपको पता है पूरी दुनिया में अब कहीं से कहीं भी जाना बहुत आसान हो गया है दुनिया छोटी लगने लगी है ऐसा क्यों रीजन क्या है सो द रीजन फॉर दिस फैक्ट दैट टूडेज वर्ड इज श्रिंकिंग इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन पहली बात हो एयरवेज का डेवलपमेंट हो गया तो अब एरोप्लेन की हेल्प से कोई कहीं भी आसानी से उड़के चला जाता है पॉपुलर मोर एंड मोर पीपल ऑफ प्लेसेस अब अगर आपको इंडिया बैठ के यूनाइटेड स्टेट्स भी जाना है तो आप आसानी से अपनी एरोप्लेन की टिकट बुक करके जा सकते हो एयरवेज द टाइम टेकन इन दर्नीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है अब आप इंडिया में बैठ के यूनाइटेड स्टेट्स में किसी से वीडियो कॉल कर सकते हो किसी को कॉल कर सकते हो है ना इंटरनेट पे किसी से बातचीत कर सकते हो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल एज टाइम अब आपका टाइम भी बचता है और डिस्टेंस तो ऑब्वियसली अब आपके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं वी कैन टॉक वी कैन सी एंड वी कैन इंटर एक्ट विद पीपल सिटिंग थाउजेंड ऑफ किलोमीटर अवे विद इन नो टाइम अब जैसे हम लोग ही देख लो आप इतनी दूर हो मुझसे मैं आपको बिना आपके घर आए आपके स्कूल में आपको पढ़ाए घर में ही बैठ के आप ये क्लासेस ले सकते हो है ना कैनी ये क्लासेस आप ले सकते हो ठीक है क्योंकि कम्युनिकेशन है आज तभी तो आप ये क्लासेस अटेंड कर पा रहे हो ओके वी कैन स्ट्राइक बिजनेस डील्स इन सेकंड्स थ्रू सुपर फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक द इंटरनेट सैटेलाइट फोन एसेट्रा हम कोई भी बिजनेस डील बहुत दूर बैठे भी क्रैक कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास मीन्स ऑफ Communication. Alright. So, with this, we have come to the end of our chapter, children. Please revise well. Happy learning. Thank you. We'll see you in the next one.